के अर्थ में यूज होता था। बौद्ध विहार से तात्पर्य है ना, पहले के समय में बौद्ध लोग काफी विहार करने के लिए आता था, आज भी बौद्ध लोग विहार करने के लिए आ रहे हैं, देख रहे ना, सब बौद्ध लोग हैं जो यहाँ विहार घूमने फिरने के लिए आया। देखो उधर भी आदमी आ रहा है पीला जलवा वस्त्र पहने हुए, माता मुड़ा हुआ, छात्र लोग का ड्रेस होता था। नहीं हुआ आप पहले के समय में यहाँ काफी सारे बौद्ध विहार था, राजगीर, नालंदा, बोध गया, वैशाली। जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, ये बौद्ध विहार केवल बिहार बन के रह गया, और कलिंग जो था ना उत्कल बना, उत्कल से उड़ीसा बना, समझ रहा ना। तो हम बता रहे थे कि पूरे एशिया महादेश में तीन विश्वविद्यालय था, तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, नालंदा यहाँ, और विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला में। ये नालंदा शब्द जो है ना दो शब्द के मेल से बना है, एक नालम और दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, गुलाब जो है ना संस्कृति का प्रतीक है, और दा का मतलब होता है ना दान करना, यानी वैसा स्थान जो ज्ञानदान देता है उसको नालंदा कहा जाता है। दूसरा राइटर इसको दूसरी तरह से भी लिखा है, नालम ददाति नालंदा, मतलब जहाँ ज्ञान का अंत नहीं हो उस स्थान को भी नालंदा कहा जाता है। इसका स्थापना 413 से 455 ईडी में चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त ने किया था। जब कुमारगुप्त नालंदा का स्थापना किया, जो एरियल या 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा, अभी खुदाई के बाद ना यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाहर हुआ, बाकी एरिया पर 1200 ईडी के बाद लोग ईट खींच करके घर बना लिया, प्लेन जगह करके कृषि का शुरू कर दिया, विश्वविद्यालय का 90% पास नष्ट हुआ। हाँ, ये जो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का कॉलेज था ना, बौद्ध धर्म का कॉलेज था। योगा कॉलेज उस समय अलग था, फिलोसफी कॉलेज अलग था, मेडिकल कॉलेज अलग था। जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, सरीचा गांव, सब जगह थोड़ा थोड़ा अवशेष मिला है, बड़ा अवशेष यहाँ। यहाँ छात्र का संख्या उस समय 10,000, प्रोफेसर 2,000। शिक्षा पद्धति आज की तरह बड़ा क्लासरूम नहीं होता था, बल्कि पेड़ के छांव में बीच में गुरुजी, चारों तरफ छात्र, जमीन पर बैठ करके लिखता पढ़ता था। यानी शिक्षा पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम थी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय का आज भी जो शांति निकेतन है, वहाँ गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाई होती है। यहाँ का मेन सब्जेक्ट जो था ना बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल ना उस समय हर्बल होता था, आयुर्वेद, हाँ, वेद वेदांत, और उस समय की भाषा पाली। यहाँ हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता था, सारा सब्जेक्ट पाली भाषा में पढ़ाया जाता था। यहाँ के जो मेन प्रोफेसर थे, नागार्जुन, शीलभद, आतिश दीपंकर, पदम संभव, शांत रचित, धर्म कीर्ति, धर्मपाल, असंग, बसुबंधु, आदि, ये सब विश्वविद्यालय के मेन प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय के अंदर तीन लाइब्रेरी होते थे, बड़ा लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरी लाइब्रेरी का नाम रत्न दधे, और तीसरी लाइब्रेरी का नाम रत्न रंजक। उस समय जो किताब बनता था ना, पेपर का नहीं बनता था, ताड़पत्र, भोजपत्र, पुस्तक के रूप में इस्तेमाल होता था। रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत होती थी, जिसमें 9 कोटी पुस्तक था। जब बख्तियार खिलजी वहाँ आग लगाया था, 6 महीने तक आग जलता रहा था। लाइब्रेरी का बिल्डिंग आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं किया है, कौन सा बिल्डिंग लाइब्रेरी का है। हम बता नहीं सकते कि यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया काफी कठिन था। आज गेट कीपर अशिक्षित होता है, लेकिन नालंदा का गेट कीपर उस समय काफी स्कॉलर होता था, जो छात्रों का एडमिशन टेस्ट गेट के पास में कंडक्ट करता था। उस गेट कीपर के परीक्षा में केवल 10% छात्र ही पास होते।